दिल्ली की जेल से 500 करोड़ की ठगी को अंजाम देने वाले महाठग सुकेश का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया है। बता दें कि दिल्ली की जेल से किए गए सुकेश के स्कैंडल के सबूत मिले हैं, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन को जेल से सुकेश ने विदेशी नंबर से दर्जनों मैसेज किए थे। सुकेश का जैकलीन को व्हाट्सएप पर भेजा गया मैसेज आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। आखिर सुकेश ने व्हाट्सएप पर जैकलीन को मैसेज में क्या कहा था। वहीं दूसरी ओर जैकलीन ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है और कोर्ट में गुहार लगाई है कि सुकेश उसे धमका रहा है, हैरेस कर रहा है। जेल में कैद सुकेश ने जैकलीन को मैसेज में लिखा था कि वो 6 तारीख को पढ़ने वाले कोर्ट के डेट पर काले रंग की कुर्ता पहनकर आए या कुछ ऐसा पहने जो काले रंग का ही हो। इसके साथ ही आगे लिखा था कि अगर कोर्ट प्रोसीडिंग वीडियो कॉल पर हो तब भी वो जैकलीन से काले रंग की ड्रेस पहनने की रिक्वेस्ट किया था। जेल से लिखे मैसेज में सुकेश ने बताया था कि अगर जैकलीन ऐसा करती है तो वो समझ जाएगा कि उसे मैसेज मिल गया था और मैसेज जैकलीन ने पढ़ा भी था। जेल में बंद सुकेश ने लिखा था कि जैकलीन मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और बहुत ज्यादा मिस भी करता हूँ। जैकलीन तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी ही हो और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जेल के अंदर से महाठग सुकेश बॉलीवुड एक्ट्रेस को मैसेज भेजने के लिए जिन नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था वो देखने में भारत के बाहर के नंबर लगते हैं। सूत्रों के मुताबिक सुकेश ने वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल किया जो इंटरनेट से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद एक के बाद एक मैसेज वो जैकलीन को भेजता रहा। एक तरफ कोर्ट की सुनवाई चल रही थी जिसमें जैकलीन और सुकेश दोनों शामिल होते थे। उसी दौरान सुकेश जैकलीन को बकायदा मैसेज भेज कर कहता था कि तुम कोर्ट की सुनवाई के दिन ब्लैक कलर की सूट पहनकर आना। जब जैकलीन ने ब्लैक कलर की सूट पहनने से इनकार किया और पेशी में आई, उसके बाद सुकेश काफी ज्यादा नाराज हो गया, दोबारा मैसेज भेजता है कि तुमने मुझे हर्ट किया। इसके बाद जैकलीन बेहद परेशान हो गई, उन्होंने अपने वकील से संपर्क साधा, उसके बाद दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई। 30 जून को लिखे मैसेज में सुकेश ने जैकलीन से कहा था कि जैकलीन तुम ट्रोलर से परेशान मत होना। सुकेश ने आगे लिखा था कि उसे पता है कि जैकलीन परेशान चल रही है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ट्रोलर्स जमकर ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल भी इसलिए किया जा रहा था क्योंकि जैकलीन के नाम के साथ ई जुड़ रहा था। लेकिन जैकलीन तुम इसे माइंड मत करना, ये कोई भी शिट किसी काम के नहीं। जैकलीन तुम तो एक रॉक स्टार हो और आगे आने वाले समय में तुम सुपर स्टार भी बन जाओगी। बता दे कि सुकेश ने जैकलीन को फिल्म दिलवाने की डील का भी मैसेज में जिक्र किया था। इस मैसेज में सुकेश ने लिखा था कि अगले कुछ हफ्तों में लवराजन एक फिल्म के लिए आपसे संपर्क करेंगे। मैंने यानी सुकेश ने उनके साथ डील तय कर ली है, ये आपके लिए बहुत बड़ी डील साबित होने वाली है बेबी। लिलीज फूल के साथ ये गिफ्ट मेरी बेबी गर्ल जैकलीन के लिए भेज रहा हूँ, उम्मीद है ये तुम्हें पसंद आएगा। सुकेश ने जैकलीन को लिखा था कि आपको एक मैसेज भेजा था, आशा है करते हुए मैसेज करता रहा, लेकिन जैकलीन ने मैसेज को इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सुकेश इनडायरेक्टली उसे धमकाता रहा। हाई सिक्योरिटी जेल से लगभग 500 करोड़ से ज्यादा की ठगी को जेल के अफसरों के साथ अंजाम देने वाला सुकेश जेल के सिस्टम को मजाक बनाकर लगातार मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता रहा। सुकेश के मैसेज से परेशान होकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू को शिकायत की है। जैकलीन ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो ईओडब्ल्यू के केस में गवाह है, इसलिए ही सुकेश पर शिकंजा कसा जाए। जैकलीन ने कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाकर सुकेश के कारनामों का खुलासा किया है और दावा किया है कि सुकेश जेल में रहकर लगातार उसे डरा धमका रहा है और हैरेस भी कर रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस और जेल प्रशासन से इस पर जवाब मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।